हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। और ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और यकीन मानिए, इस वीडियो में मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा, हो सकता है आपने कभी पहले ना जाना हो, ना सुना हो, और ना ही शायद जाने आप। सो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रूटिंग प्रोसेस किस तरीके से वर्क करती है। जो आप एंड्रॉयड फ़ोन को रूट करते हो, जो आपका फ़ोन है उसको काफ़ी लोग रूट करना पसंद करते हैं, क्योंकि रूट करने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ जो है यूज़ करने को मिल जाती है। एक्सपोज इंस्टॉलर यूज़ करने को मिल जाता है, कस्टम रोम डाल सकते हैं, कस्टम रिकवरी डाल सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐप्स को चला सकते हैं जो रूट एक्सेस जिनको चाहिए होता है, जिनको रूट की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ऐप्स को भी वो आराम से चला के और काफ़ी ज़्यादा जो है अपने वर्क को ईजी बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फीचर्स अपने एंड्रॉयड के फ़ोन में डाल सकते हैं, अपनी सेटिंग्स में चेंजेस कर सकते हैं, काफ़ी कुछ। बेसिकली वो हर कुछ कर सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर में, अगर उनको उतनी नॉलेज है तो। सो गाइज, ये तो हो गई रूटिंग के करने के बाद की चीज़। तो बेसिकली रूटिंग होता क्या है? रूटिंग में आप सबको ये पता होगा कि बेसिकली आप लोग क्या करते हो, एक वन क्लिक रूट इंस्टॉलर जो है इंस्टॉल करते हो अपने लैपटॉप में या अपने फ़ोन पे, उसको आप क्लिक करते हो, वो चेक करता है आपका फ़ोन रूटेबल है या नहीं है, उसके बाद वो आपको रूट करके फ़ोन को दे देता है, आपका फ़ोन रूटेड हो जाता है। उसके बाद आप क्या करते हो, एक कस्टम रिकवरी जो है सिस्टम रिकवरी की जगह पर डाल लेते हो अपने फ़ोन में, और आप खुश हो जाते हो कि आपने फ़ोन को रूट कर लिया। बट इस वीडियो में आपको एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि रूटिंग प्रोसेस एक्चुअली किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से रूटिंग प्रोसेस चलता है, किस तरीके से एक यूज़र जो है या फिर जो भी डेवलपर है वो अपने फ़ोन को रूट करता है। तो यहाँ पे मैं बात इस बात की नहीं कर रहा एक कस्टम रोम डालने की, कस्टम रिकवरी डालने की, या फिर किसी भी रूटेड एप्लीकेशंस को चलाने की। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा रूट एनवायरनमेंट एंड्रॉयड का किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से रूटिंग प्रोसेस जब आप रूट करते हो अपने फ़ोन को तो बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है, और वो किस तरीके से फ़ोन आपका रूट होके आपके सामने आ जाता है। और हो सकता है कि आपको जब मैं ये चीज़ें बता दूंगा तो थोड़ी बहुत गूगल करने के बाद आप खुद का रूट जो है वो सर्च कर सकते हो, यानी किसी भी डिवाइस के लिए, यानी किसी भी डिवाइस के लिए आप खुद का रूट मेथड निकाल सकते हो, खुद के रूटिंग करने का एक तरीका निकाल सकते हो। कोई भी लेटेस्ट डिवाइस हो, कोई भी नई डिवाइस जो मार्केट में आई हो जिसका रूटिंग मेथड अब तक ना आया हो। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आपका एंड्रॉयड जो है एंड्रॉयड वो बेसिकली पूरी तरीके से लाइनक्स कर्नल के ऊपर बेस्ड है। जो उसका एंड्रॉयड के नीचे जो बिनित जो काम करता है वो है लाइनक्स, और उस लाइनक्स पे ही पूरी आपकी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर होती है। जिस तरीके से लिनक्स में आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करते हो, जिस तरीके से लिनक्स में आप कमांड्स चलाते हो, सेम टू सेम आप एंड्रॉइड में एडीबी शेल या फिर किसी एम्युलेटर का यूज करके आप कमांड्स चला सकते हो। बशर्ते यहां पे एक चीज होगी, लिनक्स में तो आपको जनरली रूट यूजर मिल जाता है, बट एंड्रॉइड में जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ओईएम्स जो होते हैं, एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर कंपनी जो होती हैं, वो उस एक्सेस को डिसेबल करके रखती हैं, उस एक्सेस को बंद करके रखती हैं, यानी कि आप एक नॉर्मल एंड्रॉइड स्मार्टफोन पे डायरेक्टली कोई भी ऐसी कमांड नहीं चला सकते जिसे रूट का एक्सेस चाहिए। जैसे कि आप लिनक्स सिस्टम में लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे आप कोई भी फाइल को अनमाउंट करते हो, माउंट करते हो, कोई सर्वर स्टार्ट करते हो, उसे रन कराते हो, सेव करते हो, बहुत सारी चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए आपको चाहिए होता है रूट का एक्सेस। विदाउट रूट एक्सेस आप ये काम नहीं कर सकते हो। इसी तरह सेम एंड्रॉयड में भी अगर आपको ये काम करने हैं, आपको ये काम करने हैं, तो आपको चाहिए होता है रूट एक्सेस। और उस रूट एक्सेस को अचीव करने के लिए आपको पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा शुरू से लेकर लास्ट तक, जिसमें आपको बताऊंगा स्टार्टिंग में कि बेसिकली क्या होता है रूटिंग प्रोसेस में, किस तरीके से एंड्रॉयड बूटिंग से स्टार्ट होता है, और वहां से आपको लास्ट में ले जाऊंगा किस तरीके से एक एक्सप्लॉयट का इस्तेमाल करके कोई भी जो रूट करते हैं या फिर कोई जो डेवलपर होते हैं जो रूट का मेथड निकालते हैं, उस एक्सप्लॉयट प्रोसेस का यूज करके दो फाइल्स को इंस्टॉल करके और आपके फोन को रूट कर देते हैं। बट ये सुनने में काफ़ी इजी है, बट इसकी जो टेक्निकल एक्सप्लेनेशन वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जो आपको जाननी चाहिए। हालांकि मैं इसमें जितना इजी हो सकता है मैं ट्राई करूँगा आपको डिलीवर करने का, बट अगर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए तो मुझे माफ़ कर देना। सो गाइज, अब बात करते हैं OEMs की। तो OEMs जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, वो जब आपको फ़ोन जो है मार्केट में सेल करती हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट इस रूट एक्सेस को डिसेबल करके आपको देती हैं, और वो आपको सिर्फ वही ऐप्स यूज़ करने देते हैं जो उनके साथ या तो उनके सर्विसेज के थ्रू आपको मिल रही होती है, या फिर कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी स्टोर के थ्रू आपको मिल रहा हो, जैसे गूगल, जैसे कि आपको गूगल जो है वो अपनी गूगल प्ले स्टोर जो है इनबिल्ट करके देती है, एप्पल का है एप्पल स्टोर है अपना, उस तरीके से थर्ड पार्टी और भी स्टोर्स हैं उनके आप सॉफ्टवेयर्स जो है इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको कोई रूट एक्सेस की ज़रूरत नहीं होती है, और आप सिर्फ वही ऐप्स को चला सकते हैं अपने फ़ोन में जो आपका मैन्युफैक्चरर
चाहता है, यानी कि विदाउट रूट एक्सेस वाले ऐप्स। अब इस केस में क्या होता है, यहाँ पे एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड सिस्टम जो है वो अपने आप में बहुत ही इम्यून होता है किसी भी अटैक को लेके। काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटीज अप्लाई की जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा हर महीने पैचेस अप्लाई किए जाते हैं, पैचेस दिए जाते हैं, कोई भी बग होता है उसको फिक्स किए जाते हैं, कोई भी एक्सप्लॉइट होता है उसे फिक्स करने के लिए पैचेस लाए जाते हैं। और ये कोशिश की जाती है, ये देखा जाता है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि आपका फ़ोन वल्नरेबल हो अटैकर्स को, या फिर उसको रूट किया जा सके। बट आपको सीधा सीधा पता होगा एक छोटी सी लाइन कि सिक्योरिटी इज जस्ट एन इल्यूजन। सिक्योरिटी एक इल्यूजन है जो कि तब तक ही है एक सिक्योरिटी जब तक कि आपको उसका एक्सप्लॉइट नहीं पता है, या फिर कोई अटैकर उस एक्सप्लॉइट को ना ढूंढ लेता हो। सो गाइस, अब बात करते हैं एंड्रॉयड का जो है वो बैकअप सीनरी क्या होता है। बैकअप सीनरी का मतलब प्रोटेक्शन सीनरी क्या होता है, एंड्रॉयड किस तरीके से जो है अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है कि अगर ऐसे अटैक्स होते हैं तो हम उनसे उन्हें बचा सके अपने सिस्टम को। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है बूट लोडर की और रिकवरी की। सो गाइस, बूट लोडर और रिकवरी एंड्रॉयड सिस्टम के दो प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं आप कह सकते हैं, यानी कि इन दोनों का इस्तेमाल करके एंड्रॉयड सिस्टम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब बात करते हैं कि जब भी आप एंड्रॉयड को रूट करना चाहेंगे, जब भी आप एंड्रॉयड सिस्टम को रूट करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो आपके सामने सबसे पहली जो चीज़ आपको फेस करनी होती है वो होती है बूट लोडर। बहुत सारे फ़ोन्स में जो पुराने फ़ोन्स थे उसमें बूट लोडर अनलॉक्ड आते थे, यानी बूट लोडर को अनलॉक करके ही दिया जाता था। उस केस में रूटिंग काफ़ी ईजी हो जाती थी, वहाँ पे आप डायरेक्टली कोई सा भी आप एक रूट कमांड एग्जीक्यूट कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी रूट कमांड्स होती थी, जो रूट कमांड आप यूज़ करते थे, उसे बूट लोडर अनलॉक्ड होने के कारण वहाँ पे उसको आप एग्जीक्यूट करा पाते थे, जो रूट कमांड थी, जो आपकी आर्बिट्ररी कमांड थी, जैसे कि आप रूट एक्सेस लेना चाहते हैं और उसके बाद कोई भी आप SU या फिर सुपर यूज़र जो रूट ऐप है उसको आप इंस्टॉल करके आप पूरा टेक ओवर कर सकते थे। तो ये तो बात थी आपकी बूट लोडर अगर अनलॉक्ड थी उस केस की बात। अब अगर बात करते हैं बूट लोडर लॉक्ड की, तो इस केस में क्या होता है, बहुत सारे अब जो मैन्युफैक्चरर हैं वो बूट लोडर को लॉक करके देते हैं। सो बूट लोडर लॉक होने से अब क्या होता है कि आप कोई सा भी आर्बिट्ररी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं। उसके लिए आपको उस बूट लोडर को अनलॉक करने का कोई हैक या फिर कोई ऐसा ट्रिक आपको लाना पड़ेगा जिससे आप बूट लोडर अनलॉक कर पाएं, बशर्ते कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद से आपको ऐसी कोई टूल प्रोवाइड नहीं करती है तो। और जैसे ही आप बूट लोडर को अनलॉक कर देंगे तो उसके बाद आप जो है उस पर कोई से भी आर्बिट्ररी कमांड चला के फोन को रूट कर सकते हैं। हालांकि ये प्रोसेस बहुत लंबा है, मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल अभी के लिए आप इतना ही जानिए। जैसे कि मान लो कि सैमसंग के डिवाइस है कोई, तो बहुत सारे सैमसंग के पहले के डिवाइस होते थे उनमें बूट लोडर अनलॉक्ड आता था। उस केस में आप डायरेक्टली सैमसंग को अपने PC से कनेक्ट कीजिए, सैमसंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिए, ADB या फिर कोई भी ऐसी जो रूट कमांड है उसको चलाइए और आपको जो है रूट एक्सेस मिल जाता था। बट एक और एक डिवाइस है ई पैड स्लाइडर करके है, वो एक ऐसी डिवाइस है जिसमें का जो बूट लोडर है वो NVFlash नाम की यूटिलिटी से कंट्रोल होता है और वो बेसिकली ना ही लॉक्ड होता है और ना ही अनलॉक्ड होता है, यानी कि आप उसे, वो तो लॉक्ड होता है लेकिन आप उसे अनलॉक नहीं कर सकते इतना ईजिली। अगर उसको आप जो कि ईपैड स्लाइडर है आप उसे अनलॉक करने जाएंगे तो आप अगर अनलॉक कमांड सेंड करेंगे भी बूट लोडर को तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो लॉक्ड होते हैं SBK से, यानी कि सिक्योर बूट की से, यानी कि आपको एक सिक्योर बूट की चाहिए जो कि प्राइवेट AES इंक्रिप्शन की है और उसका इस्तेमाल करके ही आप बूट लोडर को उस स्लाइडर पैड पे अनलॉक कर सकते हैं, और वो जो है पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। यानी कि अगर आपके पास सिक्योर बूट की है ईपैड स्लाइडर का, तब जाके ही आप को जो कमांड आप सेंड करेंगे बूट लोडर को वो उसी प्राइवेट की से इंक्रिप्टेड होना चाहिए जिस प्राइवेट की से वो लॉक्ड है, तब जाके ही आपको वो कमांड जो है, जो इनक्रिप्टेड कमांड है वो वर्क करेगी और बूट लोडर को अनलॉक करेगी, जो कि पब्लिकली अभी तक अवेलेबल नहीं है SBK। सो एक तरह से अगर बोला जाए तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से सिक्योर है और इसे एक्सप्लॉइट करना बहुत ही मुश्किल है। सो गाइज, ये तो होगी बूट लोडर की बात। अब आते हैं सिस्टम रिकवरी की बात करते हैं। सिस्टम रिकवरी भी है एक लो लेवल सिक्योरिटी, एक लो लेवल आप बोल सकते हैं सिक्योरिटी ऑप्शन, जो कि एंड्रॉयड सिस्टम के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। सिस्टम रिकवरी आपके एंड्रॉयड सिस्टम का पार्ट नहीं होता, बेसिकली इन द सेंस आपके एंड्रॉयड सिस्टम में सिस्टम रिकवरी नहीं होता। सिस्टम रिकवरी एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है जो जैसे ही आप फोन को बूट करते हो, जो है बूट करते ही बूट लोडर इसे स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद जो ये सिस्टम रिकवरी स्टार्ट होता है तो आपको इस सिस्टम रिकवरी के थ्रू पूरे सिस्टम पर कंट्रोल होता है। यानी कि अगर आप स्टॉक रिकवरी जो एंड्रॉयड का आते हैं, जो कि आप कुछ हार्डवेयर कॉम्बिनेशन से जो है आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई हार्डवेयर कॉम्बिनेशन का यूज़ करके आप सिस्टम रिकवरी को स्टार्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड को, जैसे कि
पावर अप, पावर पावर बटन, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन बटन, या फिर वॉल्यूम अप, पावर बटन, वॉल्यूम अप, होम पावर बटन, ऐसे कम्बिनेशन का यूज़ करके आप सिस्टम रिकवरी को एक्सेस कर सकते हैं और उससे आप सिस्टम के बहुत सारे जो हैं फंक्शंस को आप एक्सेस कर सकते हैं, जो कि जैसे कि आप बोल सकते हैं आपको फैक्ट्री रीसेट करना है आप कर सकते हैं, आपको कोई जिप फाइल इंस्टॉल करनी है आप वो कर सकते हैं एंड्रॉयड डिबगिंग का यूज़ करके ADB के थ्रू। तो इस तरीके से करके ये पूरा टेक ओवर कंट्रोल आपके सिस्टम रिकवरी का होता है आपके एंड्रॉयड पे। बट स्टिल आप इसको एज अ रूट यूज़र एक्सेस नहीं कर पाते हैं जब तक कि आप अपने फ़ोन को रूट नहीं कर देते हैं, यानी कि ये इसका कंट्रोल होता है सिस्टम पे, बट आप इसके थ्रू एक रूट यूज़र की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं और इसका यूज़ करके आप एक रूट कमांड जो है वो नहीं चला सकते हैं अनलेस एंड अनटिल कि आपका फ़ोन ऑलरेडी रूटेड है। बेसिकली जब कोई भी यूज़र रूट करता है तो वो रूट करने के बाद इस सिस्टम रिकवरी को एक कस्टम रिकवरी में चेंज कर देता है और एक फेमस क्लॉक वर्क मोड रिकवरी है जो कि बहुत ही फेमस है, क्लॉक वर्क मोड CWM ऐसे करके एक बहुत ही फेमस रिकवरी टूल है जिसका इस्तेमाल करके जो है कस्टम रिकवरीज फ्लैश किए जाते हैं, कस्टम रॉम्स फ्लैश किए जाते हैं, इसके बारे में आप सबको काफ़ी पता होगा। तो ये दो जो चीज़ें थी ये सिक्योरिटी ऑप्शंस जो एंड्रॉयड सिस्टम आपको जो है इंप्लीमेंट करती है आपको सिक्योर, आपके सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए। इसके बाद जो है हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो गाइस अब बात करते हैं ADB की। ADB जो है एंड्रॉयड डीबगिंग जो है एंड्रॉयड डीबगिंग एक ऐसा टूल है, एक ऐसी कमांड है, एक ऐसा शेल आप बोल सकते हैं जिसका आप इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर शेल लॉन्च करते हैं, एक ADB जो है कमांड जो उसका इस्तेमाल करके, और वो जो है आपके कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करके आप अपने फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करके आप एक सर्टेन कुछ कमांड्स को चला सकते हैं अपने एंड्रॉयड सिस्टम पे, लिनक्स के कमांड्स को। तो बेसिकली किस टाइप के कमांड्स ADB के थ्रू चलते हैं, जब आपको रूट एक्सेस नहीं मिला होता है तो बेसिकली वो अनप्रिविलेज्ड कमांड्स होते हैं, यानी कि विदाउट रूट वाले कमांड होते हैं जिसको कोई भी रूट एक्सेस नहीं होता है और वो अनप्रिविलेज्ड कमांड जो है आप वहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो एंड्रॉयड के अंदर है एंड्रॉयड की एक सिस्टम प्रॉपर्टी होती है RO.secure, तो RO.secure की वैल्यू हमेशा एंड्रॉयड मैन्युफैक्चर कंपनीज के द्वारा 1 किया जाता है, 1 रखा जाता है, और उसका काम जो करती है वो है default.prop। ये default.prop जो है जैसे ही आप फ़ोन को बूट करते हो तो default.prop नाम की एक प्रोसेस क्या करती है कि RO.secure की वैल्यू 1 कर देती है। इसका मतलब है कि आप जो भी कमांड वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं वो अनप्रिविलेज मोड में एग्जीक्यूट होगा, यानी कि कोई भी आप चीज़ वहाँ से अगर एक्सेस कर सकते हैं ADB कमांड के थ्रू तो आप अनप्रिविलेज कमांड से अनप्रिविलेज ऐप्स को, अनप्रिविलेज चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी रूट को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको रूट लेवल से एक्सेस करना है, रूट के थ्रू एक्सेस करना है, तो आपको RO.secure की वैल्यू 0 चाहिए या फिर 0 करनी पड़ेगी। इस केस में क्या होता है कि आप क्या 0 कर सकते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप फ़ोन को बूट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट जो प्रॉप जो जो इसकी वैल्यू को 1 करता है वो बेसिकली उसे रूट एक्सेस होता है, वो बेसिकली आप उससे तभी इंटरेक्ट कर सकते हैं जब आपको रूट एक्सेस मिला हो, यानी कि अगर आपको रूट एक्सेस मिला ही ना हो तो आप default.prop को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, उससे आप वैल्यू चेंज नहीं करवा सकते। तो बेसिकली ये बिल्कुल इम्यून है, बिल्कुल भी सेफ है, आप यहां से RO.secure की वैल्यू 0 नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी रूटेड यूज़र नहीं है, उसके लिए आपको रूटेड यूज़र होना पड़ेगा। तो ये सब जानने के बाद, ये सब चीज़ होने के बाद अब बेसिकली क्या होता है कि आपके मन में सवाल उठता है कि फिर यार ये होते कैसे हैं रूट, फिर रूटिंग करते कैसे हैं। तो इसका मैं आपको अब लास्ट में एक समराइज बताता हूँ कि बेसिकली रूट एक्सेस कैसे आप लेते हो। सो गाइज यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एंड्रॉयड के अंदर सिस्टम के अंदर प्रिविलेज एक्सेलेशन का जो काम है वो SU और सुडो प्रोग्राम्स के हाथों में होता है, यानी कि जैसे ही आपको प्रिविलेज एक्सेलेशन का जो काम होता है, यानी कि किसी भी एक नॉर्मल यूज़र को एक रूट यूज़र बनाना, इन प्रोग्राम्स के हाथों में होता है। ये उन्हें क्या करते हैं, उनकी एक सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करते हैं जिसका होता है set UID 0, उसे एग्जीक्यूट करने के बाद कोई भी एक नॉर्मल यूज़र जो है एक रूट यूज़र में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे ही आती है वो ट्रिक, यानी कि और जब भी आप एंड्रॉयड को बूट करते हैं, फ़ोन को जब आप बूट करते हैं तो एक कर्नल जो है आपका वो एक इनिट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। इनिट प्रोसेस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसको रूट एक्सेस होना मस्ट है, क्योंकि एक ऐसी प्रोसेस को रूट एक्सेस होनी चाहिए जो बाकी प्रोसेस को स्टार्ट कर सके, बाकी हार्डवेयर इंटरेक्शन के लिए, जो हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, वो होता है इनिट प्रोसेस। इनिट प्रोसेस बाकी प्रोसेस को स्टार्ट करता है और उसको फुल ऑन रूट जो है वो रूट की टोटल एक्सेस जो होती है वो रूट का कंट्रोल होता है। यहाँ पे ही ट्रिक काम करती है। बेसिकली क्या होता है कि जो भी अटैकर या फिर जो भी डेवलपर जो रूट की मेथड्स
फाइंड आउट करते हैं, वो एक ऐसे ही सिस्टम प्रोसेस को जो है एक्सप्लॉयट करते हैं, और एक्सप्लॉयट करने के बाद वो एक अपनी आर्बिट्री कमांड जो है इससे रन करवा सकते हैं, और उस केस में वो क्या करते हैं, ऐसी इंस्टॉल करवा देते हैं फ़ोन में, और वहाँ पर आपकी रूट जो है वो हो जाती है। बेसिकली रूटिंग का मतलब यही होता है कि आप एक आर्बिट्री कमांड का इस्तेमाल, एक एक्सप्लॉयट का इस्तेमाल करके आप आर्बिट्री कमांड लॉन्च करके कमांड देके और ऐसी को इंस्टॉल करा के और आपके फ़ोन को रूट कर दिया जाता है।